सो फाइनली माई हीरो अकेडमी चैप्टर 320 रिलीज हो गया है एंड ऑब्वियसली बात है कि इस चैप्टर में हमें डेकू एंड क्लास वन के बीच लड़ाई देखने को मिली एंड आई थिंक दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल चैप्टर्स इन माई हीरो अकेडमी सीरीज एंड आई रियली फेल्ट इमोशनल आफ्टर रीडिंग दिस सीरीज। तो इस चैप्टर के बारे में अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेशन मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोज बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज बीन सेड, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इस चैप्टर की शुरुआत ईडा से होती है जो एकदम सीरियस है डेकू को वापस यूएई ले जाने को। एंड हियर ईडा को भी पता है और हमें भी पता है कि अगर एक बार डेकू कुछ डिसाइड कर लेता है तो उसे रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो डेकू को रोकने के लिए क्लास वन को अपना बेस्ट देना पड़ेगा। एनीवेज इसके बाद बाकुगो इस सीन में आता है और डेकू को कहता है कि हमें पता है तुम्हारे पास फोर्थ एंड सिक्स यूजर का क्वर्क भी है, तुम अब बिल्कुल ही अलग इंसान हो, यू डैम नर्ड। तो यहाँ पर बाकुगो एंड बाकी स्टूडेंट्स को डेकू के दूसरे कोर्स के बारे में से पता चला। आई डोंट हैव एनी आइडिया बट आई एम गेसिंग दैट शायद ऑल माइट या फिर टॉप थ्री हीरोस या फिर प्रिंसिपल नेजू ने बताया होगा। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि डेकू अपने क्लासमेट्स एंड दोस्तों को देखकर थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग बोलता है और तभी उसी वक्त वो स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करता है। सो स्मोक स्क्रीन को देख बाकुगो तुरंत भागकर अपना न्यू मूव ब्लास्ट लैंडमाइंस यूज करता है एंड देन ही से You don't even tell us anything before you left. I guess once you start being able to do anything you try, everyone around you starts to look like an extra. In simple word, Bakugo कहता है कि UAE छोड़ के जाने से पहले तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। जब से तुम खुद से ही सब कुछ करने लगे हो तब से तुम्हें हर कोई एक्स्ट्रा ही लगने लगा है। सो यहाँ पर Bakugo का ऐसा कहना क्लियरली इंडिकेट्स दैट डीप डाउन डेकू ऐसा सोचता है कि उसके क्लासमेट्स थोड़े से वीक है एंड इफ डेकू विल बी विथ हिज क्लासमेट्स तो उसके दोस्त उसको रोक के रखे एंड डेकू ऐसा नहीं चाहता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि डेकू ब्लैक व्हिप का इस्तेमाल कर भागने की कोशिश करता है एंड तभी कोडा बहुत सारे पिजन्स डेकू के पीछे लगा देता है एंड थ्रू पिजन्स कोडा कम्युनिकेट्स दैट द हेडमास्टर आस्क्स यू टू कम बैक सो स्टॉप रनिंग अवे। इन सिंपल वर्ड प्रीवियस चैप्टर्स में हम सभी को पता चल गया था कि प्रिंसिपल नेजू विल एक्सेप्ट डेकू अगेन हैप्पीली एंड इस सीन में कोडा इसी की ही बात कर रहा है। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि सैरो की भी एंट्री होती है इस सीन में एंड He tries to stop Deku with his tape quirk. So, इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सैरो डेकू को सिखा रहा है ब्लैक व्हिप को प्रॉपरली यूज कैसे करना चाहिए। तो ये वाला सीन या फ्लैशबैक बिट ऑन इमोशनल साइड था मेरे लिए बिकॉज एज अ रीडर वी ऑल नो दैट वो सैरो ही था जिसने डेकू को ब्लैक व्हिप यूज करने को सिखाया था बैक इन द इनिशियल डेज। सो इसके बाद इस सीन में जीरो की एंट्री होती है जो हर्ट बीट वॉल नाम का मूव यूज करती है हवा में ही, बट डेकू बड़े ही इजिली एंड तेजी के साथ जीरो के अटैक को डॉच कर लेता है। सो इसके बाद जीरो सेज दैट ड्यूरिंग द कल्चर फेस्टिवल यू टॉट मी हाउ टू ऑर्गेनाइज माय नोट्स, दैट हेल्प मी अ लॉट, दिस इज ट्रिवियल बट आई वाज सुपर हैप्पी। तो यहाँ पर एज अ रीडर जीरो किस चीज की बात कर रही है उसे समझने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त लगा बट आई थिंक दैट डेकू ने जीरो की हेल्प की थी ड्यूरिंग कल्चर फेस्टिवल एंड जीरो इसी चीज की बात कर रही है। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, डेकू ने जीरो के अटैक को डॉच तो कर लिया पर तभी इस सीन में ओजीरो की एंट्री होती है जो अपने टेल से डेकू को कस कर कर लेता है एंड कहता है डू यू रिमेम्बर योर फाइट अगेंस्ट सिंसो ड्यूरिंग द स्पोर्ट फेस्टिवल, यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड एट हिम फॉर मी, आई विल नेवर फॉरगेट दैट, वी कांट ओवरलुक द फैक्ट दैट यू आर फटीग्ड येट फाइटिंग अलोन। इन सिंपल वर्ड ओजीरो डेकू को स्पोर्ट फेस्टिवल का एक इंसिडेंट याद दिलाने की कोशिश कर रहा है जहां पर व्हेन सिंसो यूज्ड हिज क्वर्क टू कंट्रोल ओजीरो डेकू गेट्स मैड। और साथ ही साथ ओजीरो से हमें ये भी पता चलता है कि डेकू अब पूरी तरह से थक गया है बट फिर भी ही इज फाइटिंग अलोन। सो एज अ रीडर ये वाला सीन मुझे थोड़ा सा इमोशन लगा एंड अब डेकू का ये हालत मुझसे देखा नहीं जा रहा है। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, डेकू ओजीरो को रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो तुम सब खतरे में रहोगे, ऑल फॉर वन का टारगेट मैं हूँ इसलिए मैंने यूएई छोड़ा। सो अब हम इस सीन में देखते हैं कि डेकू ओजीरो के पकड़ से छूट गया है बाय यूजिंग ओनली हिज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड तभी तोकियामी डार्क शैडो का यूज करके डेकू को एक बिल्डिंग में फेंक देता है। इसके बाद सातो एक के सुगरमैन की एंट्री होती है इस सीन में जो जीरो एंड ओजीरो को गिरने से बचाता है एंड डेकू से कहता है यू माइट हैव अ स्पेशल फीलिंग बट आवर फीलिंग्स आर द सेम, प्लीज थिंक अबाउट व्हाट कोडा सेड अबाउट दिस कूल साइड और एल्स आई वोंट लेट यू बोरो माय फूड कलरिंग व्हेन यू मेक कैंडी एप्पल्स फॉर एरीचान। सो सोता का ऐसा कहना क्लियरली इंडिकेट्स दैट डेकू किसी ना किसी तरह से अपने क्लासमेट से अटैच था एंड सारे क्लासमेट्स अपना जी जान लगा रहे हैं डेकू को वापस लाने में। ऑल्सो सोता ने अपने बातों में एरी को भी मेंशन किया है एंड हम सभी को पता है कि डेकू एंड एरी काफी अच्छे दोस्त है बट इस सीन में हमें डेकू से यह
पता चलता है कि ही डजंट केयर अबाउट एरी एनीमोर। सो एज अ रीडर आई रियली फेल बैड व्हेन डेकू सेड दिस थिंग अबाउट एरी, बिकॉज हम सभी को एरी के पास के बारे में पता है एंड एरी के पास ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं है, बट डेकू एरी का खास दोस्त है, तो डेकू का ऐसा कहने के लिए उसे 2-3 लाफे पढ़ने चाहिए। एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम अब देखते हैं कि डेकू अब एक बिल्डिंग के अंदर है और तभी वहाँ मोमो की एंट्री होती है जो अपने क्वॉक से एक मशीन बनाती है एंड वो मशीन डेकू को सुला सकता है। बट डेकू तुरंत सिचुएशन को समझकर मोमो के मशीन को तोड़ देता है एंड वहाँ से भागने ही वाला होता है कि तभी कामिनारी की एंट्री होती है इस सीन में और वो डेकू को पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम्हारे और मेरे हॉबीज अलग अलग है बट स्टिल यू आर माई फ्रेंड सो आई विल फोर्स यू टू डू इट। सो इसके बाद सोजी की भी एंट्री होती है इस सीन में जो अपने हाथों से कामिनारी एंड डेकू दोनों को ही रैप कर लेता है एंड तभी टोकोयामी डार्क शैडो को ऑर्ब ऑफ डार्कनेस की तरह यूज करके डेकू को कैप्चर कर लेता है कामिनारे के साथ ही। सो आफ्टर दैट टोकोयामी कहता है टू यूज डार्क शैडोज ऑफेंसिव पावर एज डिफेंस दैट वाज योर आइडिया वाजंट इट मिडोरिया। इन सिंपल वर्ड टोकोयामी स्पोर्ट फेस्टिवल की बात कर रहा है जहां हमने देखा था कि डेकू एंड टोकोयामी टीम अप होते हैं एक राउंड में एंड वो राउंड विदाउट एनी डाउट ऑसम था। सो एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि डेकू टोकोयामी कामिनारी एंड सोजी के पकड़ से आजाद हो जाता है एंड वो बिल्डिंग के वॉल को तोड़कर खुले आसमान में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि डेकू का मास्क गिर जाता है एंड वी सी दैट ही वाज क्राइंग। तो ये वाला सीन वाकई काफी इमोशनल था एंड टॉप ऑफ दैट हमें डेकू से ये पता चलता है कि ड्यूरिंग द फाइट उसका डेंजर सेंस एक बार भी एक्टिवेट नहीं हुआ विच मीन्स दैट हिज क्लासमेट्स आर नॉट थ्रेट फॉर हिम। सो पर्सनली ये वाला सीन सीरियसली काफी ज्यादा टची था बिकॉज फाइटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स इट्स रियली हार्ड एंड इमोशनल। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, हम देखते हैं कि डेकू अभी भी अपने दोस्तों से दूर भागने की कोशिश कर रहा है बट फिर सोटो की एंट्री होती है इस सीन में एंड ही यूज हेवन पियर्सिंग आइस वॉल टू स्टॉप डेकू एंड आफ्टर दैट ही से व्हाट्स विद दैट फेस द बर्डन प्लेस्ड ऑन यू इट डजंट अलाउ फॉर टीयर्स राइट लेट अस शेयर दैट बर्डन। इन सिंपल वर्ड्स सोटो ये कहना चाहता है कि तुमने जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी तुम्हें चैन से रोने भी नहीं देता है सो लेट जस्ट शेयर दैट बर्डन। सो यहाँ पर सोटो का ऐसा कहना और इस सीन से हमें क्लियरली ये पता चलता है कि डेकू अब अपना लिमिट क्रॉस कर चुका है एंड ही नीड्स टू स्टॉप। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, अब इस सीन में आसुई की एंट्री होती है एंड सी से व्हेन स्केयर्ड यू आर अलाउड टू ट्रेम्बल व्हेन इट्स टफ यू आर अलाउड टू शेड टीयर्स दैट्स हाउ यू बिकम अ हीरो लाइक इन कॉमिक्स वी वोंट लेट यू गो अलोन। इन सिंपल वर्ड आसुई कहना चाहती है कि तुम्हें हक है डरने का, तुम्हें हक है रोने का, ऐसे ही तो हीरोज बनते हैं, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सो इस सीन से आई थिंक हमें एक हिंट मिल गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए क्लास 1A डेकू को अकेला नहीं छोड़ने वाले है एंड इन्हीं सब के वजह से ये चैप्टर इतना इमोशनल था एंड हर स्टूडेंट का कोशिश करना डेकू को कन्विंस करने के लिए मुझे एज अ रीडर काफी अच्छा लगा ये चीज देखकर एंड पढ़कर एंड आई थिंक दैट नेक्स्ट चैप्टर भी शायद इमोशनल होगा एंड ऑल्सो ये चैप्टर मोर ऑन टॉकिंग एंड कन्विंसिंग डेकू पे ज्यादा फोकस था विच इज ओके बट एज अ रीडर आई थॉट दैट शायद हमें कुछ सीरियस एक्शन सीन्स देखने को मिलेगा इस चैप्टर में पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बट एनीवेज इसी के साथ ही चैप्टर 320 ऑफ माय हीरो एकेडमी खत्म होता है एंड हमेशा की तरह ये चैप्टर भी ऑसम था। तो अगर आपको जानना है कि क्या डेकू नेक्स्ट एरेन अगर बन पाएगा तो जल्दी से ये वाला वीडियो देखो, नहीं तो अगर आपको एक यूनिक स्पोर्ट एनीमे के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देखो एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब वगैरह कर देना एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।